अरे पहले कंपटीशन कंप्लीट तो कर, फिर विनर बन। अरे राजवीर, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। I'm a confident man. मुझे स्टोरीज बनाना नहीं आता। कल दही हांडी मैं ही फोड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। यही सच है। और अगर तुझे कहानियां सुनने का इतना ही शौक है तो एक सेकंड सैंडी, जरा इन्हें वो कहानी सुनाना जहां पर मैं कल दही हांडी फोड़कर जीतूंगा। दोनों तरफ से दो गोपाल, बीच में लोगों का पहाड़ बेहाल, दिल में जुनून की डांडी, ऊपर लटक रही दही हांडी, 1 2 3 4 बाल गोपाल की जय जयकार। शौर्य की बड़ी रफ्तार राजवीर से आगे निकल गया और फाइनली शौर्य ने दही हांडी जीत गया। अरे वाह 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 वाह, तालियां तालियां। ये गलती से भी मत सोचना कि तेरे लिए ताली बज रही है तो सब लोग तुझसे इंप्रेस हो गए। क्या था ये, क्या कर रहा था तू ये? और ये क्या कितने लफंडरगिरी वाली कमेंट्री की है तूने? कंपटीशन से पहले ही कहानियां बना रहा है तू। जो वो तुझे बोलेगा उसको तू आंखें बंद करके विश्वास कर लेगा क्यों भाई? क्या खिलाया उसने तुझे, कुछ दिया है क्या? क्या दिया तूने इसको? क्या स्वामी है, एस्ट्रोलॉजर है, क्या है तू, अंतर्यामी? कॉम्पिटिशन है, उसको लड़ने तो दे, इन लोगों ने तेरे को चढ़ा रखा है। अरे सैंडी, तू इतना डरता क्यों है यार? मेरे बड़े पापा ही तो हैं। तू तो अपने खुद के पापा से इतना नहीं डरता यार। ऋषभ से हर वो इंसान डरता है जो गलत है, और ये तो गलतियों की दुकान है। दुकान, अरे छोटी बात कर दी दुकान, ये तो गलतियों का शोरूम है। शोरूम भी छोटा पड़ जाएगा, ये तो गलतियों का गोडाउन है। और शौर्य के साथ में रह करना इसकी गलतियों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। ऑफ कोर्स डैड, आप कितने प्रेडिक्टेबल है, मुझे पता था कि आप मेरे लिए ऐसा ही कुछ बोलोगे। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरी तेरी कोई बात नहीं, इसमें कंपटीशन की बात है। कंपटीशन में हार जीत लगी रहती है और होनी चाहिए भी। हांडी है, तू भी फोड़ सकता है, राजवीर भी फोड़ सकता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, राजवीर। आप लोगों को राजवीर के सिवाय कोई दिखता भी है कि नहीं? हर जगह सही राजवीर ही होता है ना। शौर्य पुत्र, तू हमेशा गलत क्यों सोचता है? ऐसी कोई बात नहीं है, जितना प्यारा तू है ना हमको, उतना ही प्यारा राजवीर भी है। राखी जी के कहने का मतलब यह है बेटा कि कंपटीशन है तो कंपटीशन में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए ना, और वैसे भी ये कंपटीशन हमारे घर में है तो हमें बायस तो नहीं होना है ना। हाँ देख, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन के अंदर कोई भी बंदिश कोई भी रंजिश नहीं होती। कंपटीशन दिल से खुद अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाया जाता है, और कंपटीशन ऐसे एक्सेप्ट किया जाए ऐसे खेला जाए तो ही मजा आता है। क्यों? यू राइट। अजी ये सब बातों पर मिट्टी पाइए, कल किशन जी खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, है कि नहीं? आज का दिन अच्छा रहा, कल की कल देखते हैं, और अब हम चलते हैं। दलजीत जी, अब तो आप जा रही हैं, लेकिन कल आपको जरूर आना है, और वो भी पूरे परिवार के साथ। अजी जरूर, आप नहीं भी बुलाती ना तो भी हम चले आते। ये हुई ना बात। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी, कल आना है। ओके यस, बाय बाय शंकर, बाय कांसा। जाओ, लेकिन देखो ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? बाथरूम की खिड़की तो खुलती नहीं है, और अगर वैसे कोशिश कर भी ली ना तो पता ना सृष्टि जी का, स्यापा खड़ा कर देना उन्होंने आपके लिए। चलो। मैं क्यों भागूंगी, और वैसे भी मैं भाग तो सकती नहीं हूँ ना, अपने मोहित को बाहर ही खड़ा किया। वो तो मेरा दिमाग है ना, मेरी चालाकी है, इसलिए मैंने मोहित को बाथरूम की खिड़की के बाहर खड़ा कर दिया है। जब तक आप अंदर हो वो बाहर खड़ा रहेगा। जी मैं नहीं भाग सकती, मोहित है वहाँ पे। अब आपकी परमिशन हो तो मैं वॉशरूम यूज कर लूँ। हाँ थैंक यू। थैंक गॉड, थोड़ी तो फ्रीडम मिली। बस 2 मिनट। सुनिए, मुझे ना यहाँ पे किडनैप कर लिया है। अरे कितना टाइम और, हाथ मुंह धोने गए कि नहाने? वैसे धो लो, हाथ मुंह धो लो, लेकिन
इतने जो पाप किए, इतने जो गुनाह किए, वो कैसे धोएगी हैं? अरे कितना टाइम लगाओगी? हे भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वॉशरूम यूज करने दिया। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। आपके इस एहसान का बदला मौका मिलते ही मैं बहुत अच्छे से चुकाऊंगी। ज्यादा बकवास मत कर, अब जल्दी जा, चल। ये फेस्टिवल के टाइम पे ऑटो मिलना इतना डिफिकल्ट है, और मिल भी गया तो वो जाते नहीं है। इट्स ओके, तुम अपनी बाइक ले जाओ, मैं कैब बुला लूंगी। नहीं, मैं क्या बोल रही थी ना राजवीर, वो तुम मुझे अपने साथ ले चलो अपनी बाइक पे, और ममा और पलकी ऑटो से आ जाएंगे। अरे तुम मुझे, आप लोग अभी तक यही हैं? क्यों ना हम सब साथ चलें? वैसे ही मैं सैंडी को ड्रॉप करने जा रहा था, उसका घर आपके घर से थोड़ा ही आगे है। पहले आप लोगों को ड्रॉप कर लूंगा और फिर सैंडी को। चलिए चलिए। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं ये बाइक से चले जाता हूँ और कैब बुक करके भेज देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग कैब से आ जाइएगा। अरे राजवीर, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात है ही नहीं। It's just a basic courtesy, not a big deal. आप लोग सोच क्यों रहे? चलिए चलिए please. नहीं नहीं माँ, कैब ले लेंगे ना। चलना, जल्दी पहुंच जाएंगे घर। इतनी रात हो गई है। सैंडी please help us. और शनाया, तुम please मेरे साथ चलो। कम दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, संस्कारी भी हैं, बंगला भी है, कार भी प्यारी प्यारी है। बस भगवान जी, मुझे तो यही दामाद चाहिए, लूथराज का बेटा, खुराना का दामाद। आगे मैं बैठूंगा। शना, तुम पीछे जाकर बैठो। ये राजवीर ना, ये मेरी लव स्टोरी में कुछ ज्यादा ही विलन बन रहा है। अरे यार, इसको हीरो बनाया असली हीरो को पाने के लिए, ये तो कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। आगे मैं बैठूंगा मतलब सैंडी कहाँ बैठेगा? सैंडी के लिए तो मैं जा रहा था, तू आगे नहीं बैठ सकता। सैंडी, मेरे बाइक की चाबी, बाइक पर आ जाना, गाड़ी में मैं आऊंगा। हो गया, ये सब कुछ मैनेज हो गया, सैंडी बाइक से आ रहा है, गाड़ी में मैं आऊंगा। क्या है ना, मैं अपनी फैमिली और मेरे फैमिली के आसपास के लोगों के लिए, स्पेशली इन लेडीज के लिए बहुत ज्यादा केयर करता हूँ, और इन लोगों को तेरे साथ अकेले तो मैं बिल्कुल आने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू बहुत बुरा इंसान है। बहुत बुरा ड्राइवर है तू, बहुत गंदी ड्राइव करता है, मैंने देखा है तू ड्राइव कैसी करता है शौर्य, तो नो चांस कि मैं इन लोगों को तेरे साथ अकेले आने दूंगा। तो गाड़ी में मैं आऊंगा, कोई रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज ये लोग मेरी फैमिली है, दैट्स अस, हम ऐसे ही है। शना, प्लीज 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 बैठ जा। अब सवाल बस इतना है कि ड्राइव तू करेगा या मैं करूं? गाड़ी किसकी है? मेरी गाड़ी, मैं ड्राइव करूंगा। परफेक्ट। सैंडी, आई सी यू ब्रो। शौर्य, गाड़ी धीरे चला। चला है क्या चाहती है? स्पीड। बिल्कुल स्पीड स्पीड। माँ, मजा ही आ गया। मुझे तो ना बचपन में झूले होते ना, एकदम जू करके नचाते, बिल्कुल उसकी याद आ गई मुझे तो। नहीं, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, पहले मुझे ये शौर्य से। अयला, ये लोग सब आ गए। अरे बाप रे, कहाँ चले गए सब लोग? मोहित, गुरप्रीत जी कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। तुम यही? तुम अभी यहाँ नहीं थी, तब तुम कहाँ गई थी ये बताओ पहले। कहाँ गई थी? हमसे पूछ के जाना चाहिए था ना। नहीं नहीं, ये मेरे साथ गई थी, मेरे को बोलने लगी मेरे को वॉशरूम जाना है, अब अच्छा नहीं लगता ना,
तो मैं लेके चली गई थी, पर देखो मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ। शुक्र है गुरप्रीत जी की ये भागी नहीं, और आप इससे जरा बच के रहिए, आपको पता नहीं औरत कैसी है। शुक्र है कि इसने आपको कुछ नहीं किया। हाँ गुरप्रीत दी, किस्मत है आपकी कि इसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। हैरानी हो रही है मुझे, क्योंकि ये औरत इतनी बुरी है, ये किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। इसके पास दिल दिल तो है नहीं, एक दिमाग है, वो भी पूरा का पूरा क्रिमिनल। कब से मेरे साथ बुरा ही बुरा करती जा रही है, क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग सब? हाँ, ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, बुरी औरत है, ये क्या 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 बातें, क्या है ये सब? मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ ना, तुम तो ऐसी घटिया हरकतें कर रही हो। अब बताओ मुझे क्या बात है, किस बात का डर है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों पड़ी हो मेरे पीछे, क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? मेरे जिंदा रहने से तुम्हारा क्या फायदा है? तू किधर चला गया था? अरे पता है ना घर में कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, एक गुंडा तो बेहोश है और ये गुंडी जीती जाती होश में पूरे घर में घूम रही है, बाथरूम जा रही है फ्रेश होने। कहाँ चला गया था तू? मैं खड़ा था बाहर, मतलब ये निधि जी गई थी ना वॉशरूम में, तो वॉशरूम के खिड़की के बाहर खड़ा था मैं, ताकि अगर ये भागने की कोशिश करे ना तो मैं वहाँ पर इन्हें रोक लूँ, इन्हें पकड़ लूँ, तो इसलिए मैं बाहर खड़ा था वहाँ पर। क्या बात है मोहित, ऐसा लगता नहीं कि तुझमें दिमाग होगा, लेकिन बहुत सही दिमाग चलाया तूने, आई एम प्राउड ऑफ यू। दिमाग मेरा था, मैंने चलाया, मैंने बोला इसको बाहर जाके खड़े होने को। अच्छा जी, आप तो हो ही सुपर वुमनिया गुरप्रीत जी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ये औरत ये सबको मात देती है, ये इतनी ज्यादा चलाक है। पहले तो इसने पैसे देकर मेरा एक्सीडेंट करवाया, उसके बाद मैं बच गई तो ये हॉस्पिटल में आ गई मेरी जान लेने के लिए, मेरा गला दबाने के लिए। अब ऐसी घटिया हरकत कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता, कोई क्रिमिनल, कोई मर्डरर ही कर सकता है, तुम जैसा। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो, तुमसे तो इससे भी ज्यादा घटिया तरीके से बात हो ना, तुम उसके लायक हो। अब बताओ क्यों पड़ी हो मेरे पीछे, किस बात का डर है, क्यों जान लेना चाहती हो मेरी, बोलोगी कि नहीं? अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुमसे मिस्टर करण लूथरा छीन लूंगी, तो तुम गलत सोच रही हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब कौन आ गया? पर जाई जी होंगे, कुछ काम होगा उनको, मैं देखती हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, आप? थैंक यू सो मच, मेरे एक कॉल करने पे आप इतना जल्दी आ गए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप में से प्रीता और सृष्टि कौन है? ये सृष्टि है और ये प्रीता है, ये दोनों मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आई हैं। वो ये लोग ना मेरी ज्वेलरी चुराने चाहते हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए किडनैप करके। बकवास कर रही है, हमने तुझे झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, और क्या ज्वेलरी चुराने, क्या ज्वेलरी पहनी है तूने? एक मिनट, इसका ज्वेलरी में टेस्ट ही खराब है, हमें क्यों उसकी ज्वेलरी चुरानी है, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज किसी समझदार की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम इसको कोई किडनैप करके यहाँ नहीं लाए, बात करने के लिए हम लोग इधर आए हैं, इसकी मर्जी से आए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों सच बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हाँ और इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो अभी अभी मुंबई आई है, ये यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं है, और ये दोनों दिल के बहुत साफ और नेक लोग हैं, और आप ही बताइए, आप इनको देख के ऐसे लगता है कि ये किडनैपर्स हैं, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। एग्जैक्टली, हमने कोई क्राइम नहीं किया, यहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल है तो वो ये औरत है, ये शक्ल से सीधी साधी दिखती है, लेकिन ये है नहीं, ये क्रिमिनल है।
आपको पता नहीं है, इसने पता नहीं कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार मेरी जान लेने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी आंखों पे विश्वास कीजिए। आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ इस घर में क्या कर रही हूँ? मैं कैसे आई यहाँ पे? मैं आपको सच सच बता रही हूँ, ये दोनों क्रिमिनल है। ये मेरी ज्वेलरी देख के इनको लालच आ गया, मेरी ज्वेलरी चुराना चाहती है। ये लोग चाकू की नोक पे मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आई है। आपको आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? ठीक है, मैं आपको प्रूफ देती हूँ। एक सेकेंड ना, ये देखिए, ये है वो चाकू जिसकी नोक पर ये दोनों मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आई। देखिए, और अगर ये प्रूफ भी काफी नहीं है ना, तो रुकिए, ये देखिए, देखिए इस आदमी को। क्या हालत है सिक्की, इसको भी किडनैप करके यहाँ लेके आई थी ये लोग। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने इसके साथ, इसको होश ही नहीं आ रहा है। अब ये सब देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये लोग नॉर्मल लोग हैं? मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जबरदस्ती मेरी ज्वेलरी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। मुझे बचा लीजिए प्लीज। झूठ बोल रही है ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रही हो? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। एक शरीफ घर की इज्जतदार बड़ी औरत को यहाँ ऐसे किडनैप करके लेके आए हो ना? अरे चुप कर, क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। पता नहीं कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई ताकि इससे बात कर सकूं कि मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है। मैं सच बोल रही इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मुझे यहाँ से किडनैप करके लाई। मेरी ना ज्वेलरी, मेरा स्टेटस देख के इनके मन में लालच आ गया। ये लोग चोरी करना चाहते थे सब कुछ। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। सुशीला जी सर, प्रीता और सृष्टि को अरेस्ट करो। अरेस्ट करो? अरे हमें क्यों अरेस्ट करो? हमने किया क्या है? जो कुछ किया है ना, वो इस औरत ने किया। निधि, ये मेरी दी को मारने की कोशिश, इसने इतने अटैक्स करवाए मेरी दी पे। हमने कोई गुनाह नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, गलत उसने किया, गलत वो है, क्राइम वो कर रही है, क्रिमिनल वो है, और आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों गुनेगार हैं, आप इनको अरेस्ट कीजिए। सच झूठ क्या है ना, सबके सामने है यहाँ पे। मेरे को तो लगता है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बनाने पे तुली हुई है। ये ना प्रीता जी और सृष्टि जी को गलत बनाने पे तुली हुई है। बहुत शातिर औरत है ये, मैं बता रही हूँ आपको। और सृष्टि जी, क्या पता ये भी इसकी कोई चालाकी हो। ये इंस्पेक्टर नहीं, ड्रामा इंस्पेक्टर तो नहीं है। बस बहुत बोल दिया आपने, मैं कोई ड्रामा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं असली इंस्पेक्टर हूँ। बोलो तो सबको ले चलूं। अभी जिसको जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। शीला, अरेस्ट करो। अरे नहीं रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, ये आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। अरे हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? गुनाह तो इसने किया ना। ये बेहोश आदमी को भी ले चलो साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही है, वो उनको कहां लेके चले गए? अरे ये सारे मोहल्ले वाले करके बाहर ही खड़े हो ना, तो और भी मजा आ जाएगा मुझे। क्यों क्या पूछ रही है? वो लोग आकर बाहर देखेंगे ना कि हम इतनी शानदार आलीशान एकदम करोड़पति वाली गाड़ी में आए, तो बस देखते रह जाएंगे, जल बुन जाएंगे। माँ प्लीज, पतली गली है, संभाल कर चलाओ। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने इतना टाइम निकाल कर हमें घर तक छोड़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई गेस तू भी थैंक्स बोलना ही चाहता होगा। थैंक्स
इतना रूखा थैंक्स मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुना। मैंने भी इतना रूखा थैंक्स किसी को इससे पहले बोला नहीं। कहना मैं बहुत ही जिंदा दिल और दिलदार इंसान हूँ। जब भी किसी से मिलता हूँ तो दिल खोल के मिलता हूँ, लेकिन तू जब मिलता है ना तो मेरा दिल बड़ा सहम सा जाता है। तू यहाँ से चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मीठा मीठा जा रहा है ना अभी तू। रात बहुत हो गई है और सब थक भी गए होंगे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक हम सबको सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय आंटी। मैं इतनी दूर आया हूँ लूथरा हाउस से ड्राइव करके आप लोगों के लिए। मैंने सोचा मैं यहाँ तक आऊंगा तो आप मुझे अंदर बुलाएंगी, चाय कॉफी के लिए पूछोगे, इतना तो बनता है ना। बनता है, बहुत कुछ बनता है। सचिन शौर्य तुम मेरे घर आओगे? मैं तो कहने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कैसे कहूँ। चलो चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें ना गर्म गर्म अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। अपने दोस्त सैंडी को भी लेकर आओ। आ जाओ आ जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही। चाय पीने का मन मेरा भी है, मैं भी आता हूँ। लेट्स गो। जितना हो रहा है उतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। माय गॉड कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है। नाइस, आई लव इट। शनाया सच में बहुत लकी लड़की है जो उसे राजवीर जैसे चाहने वाला मिला। कितना ख्याल रखता है उसका, जैसे से कई ज्यादा प्रोटेक्टिव है। लाखों में शायद कोई एक ही ऐसा होता होगा और वो एक शनाया को मिला। छोड़ो, आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब अब मैं जाऊं, एक्चुअली जन्माष्टमी है, घर में फंक्शन है, बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, सबको अटेंड करना है, तो मैं चलती हूँ। कॉन्स्टेबल उसको हवालात में डालो और फिर डॉक्टर को फोन करो, इसका चेकअप करवाना है और उसके बाद इसका बयान भी लेना है। इंस्पेक्टर साहब क्या सिर्फ इसी की जन्माष्टमी है? हम नहीं जन्माष्टमी मना रहे, हमें भी घर जाना है, हमें भी जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्रीता जी और सृष्टि जी ने कुछ नहीं किया है, प्लीज इन दोनों को छोड़ दीजिए ना। आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूं? निधि जी आपके लिए आज जन्माष्टमी का त्योहार है, वो तो हमारे लिए भी है। और सृष्टि जी और प्रीता जी आप घर पे जाना चाहती है, और आप गुरप्रीत और ये आपका बेटा। अब मोहित जी नाम नहीं पूछा हमने और हमें जानना भी नहीं है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये केस को मैं लीड कर रहा हूँ, तो जब तक दूसरा इंस्पेक्टर नहीं आ जाता ये केस मैं ही हैंडल करूँगा और इसके सारे सच झूठ मैं देखूँगा। और पिताजी बताइए क्यों किया किडनैपिंग आपने? हमारे ताज में सरताज आए, शहंशाह दो शौर्य लूथरा। आओ बिठाओ, बैठो बैठो, आओ। यानी वहां पे पंखे की हवा है, वो एसी की तरह आती है, तो कभी कभी तो मुझे ठंड लगने लगती है। तुझे नहीं लगेगी, तुझे तो एसी की आदत होगी ना। आई केयर फॉर यू। हे माता रानी, मैंने अपनी शर्णों की जोड़ी सजाई है शौर्या के साथ, अब होलसेल के भाव में कहीं ये जोड़ी एक्सचेंज ना हो जाए, मेरी बच्ची इधर की उधर ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। हे माता रानी, अब मेरी नैयत तुम ही पार कर। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? थोड़ी फनी बात है, मैं सोच रही थी कि शनाया को किचन में भेज दूं चाय बनाने के लिए, मगर वो तो सब जानते हैं कि शनाया हमारी किचन में थोड़ा कम चमकती है कि नहीं, तो मैंने सोचा कि शनाया के साथ मैं भी चली जाती हूँ अंदर किचन में, उसे चाय बनाना सिखा दूंगी और साथ में कुछ पकवान भी, ताकि उसकी जिससे शादी हो, है कि नहीं शौर्य बेटा, उसको ये बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। नहीं नहीं आंटी, चाय बनानी है तो चाय पलकी बना देगी, है ना, पलकी बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो चाय पलकी बना देगी। और थैंक यू शनाया, बहुत रात हो गई है, अंधेरा भी हो गया है बहुत, तो जाकर सो जाओ, थक गई होगी ना।
सो जाओ। I must ask you, Rajveer, are you jealous of me? तू मुझसे जलता है क्या? मैं और तुझसे जेलस कभी नहीं। मैं तुझसे जेलस नहीं हूं और तुझसे क्या, मैं किसी से भी जेलस फील नहीं करता हूं, क्योंकि जेलस वो लोग फील करते हैं जो दिल जले होते हैं, और मैं दिल जला नहीं हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि शनाया तुझसे ज्यादा फ्रेंडली ना हो। अब ये मत पूछना क्यों, वजह तू भी बहुत अच्छे से जानता है और मैं भी। बात यही है, हो गई सबको बात क्लियर? सॉरी सॉरी, एक्चुअली हंसी आ गई, आदत नहीं है ना, कभी भी हंस देता हूँ। एक्चुअली मैं हंसते हंसते पैदा हो गया था, तो अब वॉशरूम जाना है, हंसते हंसते वॉशरूम आ गई, कहाँ है? हाँ, तो कम हंसा कर, जाकर वॉशरूम दिखा दे। नहीं, वॉशरूम कैसे, मेरा यहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है ना, है ना? यहाँ पर तेरा रहना क्यों जरूरी है? तेरा वहां पर रहना जरूरी है। तेरे होते हुए क्या मैं जाऊंगी उसे वॉशरूम दिखाने? हाँ चल। अब सुना, मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी ने कहा जाकर चाय बनाओ तो चाय बनाओ। आई थिंक तुम्हें अंदर जाके चाय बनानी चाहिए। गो 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 गो, जल्दी। चल तुझे दिखाता हूँ वॉशरूम, लेट्स गो। वाह, खैर छोड़ो, शारे बेटा तुम मुझे बताओ कि मेरा ये घर तुम्हें कैसा लगा? इट्स क्यूट, सच बताओ तो मेरे घर की पार्किंग स्पेस जितना होगा, बट आई लाइक इट, इट्स स्मॉल एंड सॉर्टेड। सच अ शो ऑफ, तुम्हें ये बात कहकर हमें बताने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हारा पार्किंग एरिया भी हमारे घर से ज्यादा बड़ा है। हमने देखा है तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का माहौल, और अगर ऊपर वाले ने तुम्हें पैसे दौलत ये सब दिया है तो जरूरी है दिखाना, दिखाना ही है तो वो दिखाओ ना जो तुम्हारे पास नहीं है, मैनर्स। जैसे अगली बार शौर्य लूथरा अगर कोई तुमसे पूछे कि उनका घर कैसा है तो झूठ ही सही लेकिन हम्बली स्वीटली कह देना कि घर अच्छा है।